हेलो एवरीवन। तो काफ़ी लोग एलिगेशंस लगा रहे थे हमारे ऊपर कि आप लोग गए नहीं, हॉस्पिटल नहीं गए, आप लोग अगस्त के घर के पास नहीं गए, अगस्त के घर नहीं गए। हेलो एवरीवन। तो काफ़ी लोग एलिगेशंस लगा रहे थे हमारे ऊपर कि आप लोग गए नहीं, हॉस्पिटल नहीं गए, आप लोग अगस्त के घर के पास नहीं गए, अगस्त के घर नहीं गए। तो भाई एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, और सूरज ने भी क्लियर कर दी थी, जिस टाइम ये एक्सीडेंट हुआ था उसी टाइम 2 घंटे बाद काफ़ी लोग मतलब उल्टी सीधी स्टोरीज डाल रहे थे, थ्रेड्स आ रहे थे हमारे पास, इंस्टाग्राम पे मेंशंस कर रहे थे, टैग्स कर रहे थे कि इन लोगों ने किया है, ये लोग छोड़ के भागे हैं, हम लोग हॉस्पिटल क्यों नहीं जा पाए थे। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में पूरा एक्सप्लेन किया था क्या सीन हुआ था, हमारा ऐसा नहीं था कि हम छोड़ के गए, वो चीज़ मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी। उनकी फैमिली से मेरी बात हुई है, मेरी सूरज की, तो अब उनको ना सब समझ में आ गया। तो अब हम जा रहे हैं उनके पास देहरादून मिलने, अभी हम दिल्ली में, सूरज भाई हमारे साथ हैं, पीछे ऋषि भाई हैं। बाकी अगस्त के साथ जो भी हो उसका बहुत ज़्यादा अफसोस है, अभी तक 1 हफ्ता हो चुका है उसको, आज ना मुझसे बाइक स्कूटी कुछ नहीं चल रही है, मतलब हाथ कांप रहे हैं, और बार बार मतलब बाइक की तरफ देखता हूँ या सोचता हूँ मुझे अगस्त याद आता है। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं देहरादून, उनके फैमिली से बात करेंगे, जो भी हमारी फ़ोन पे बात हुई है उनको समझाएंगे क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। तो गलत है, छोड़ आप लोग दोनों मुझे ये बताओ, आमिर मस्जिद सही है या गलत है? हम नहीं कह रहे उसने मारा, वो छोड़ के भागा, क्यों भागा, टक्कर मार के भागा या चल के मारे भागा? मुझे इस बात का जवाब दे दो तुम। नहीं नहीं, मेरा घर है, मेरा घर है, इसका भी घर है, वो लोग एक साथ में रहते थे। तो नोएडा जब जानवी मामा ने उसे फोन किया उस तक तक कौन मत बोलता मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बहुत ज्यादा आगे निकल गया था, उसने अपनी सफाई दी, जो वही वीडियो में बोला कि बहुत आगे निकल गया था, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मुझे आंसर नहीं मिल गया। उसके बाद अगले दिन मेरी जब शिक्षा सर से बात हुई तो उनका जो था कि उन्होंने कहा उससे कह रहे ना अगर बात हो तो मुझसे बात कर ले, तो व्हाट्सएप मैंने मैसेज डाला था उनसे कि वहाँ से कॉल आई, बात कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने साइन वाइन करवा दिया। वो जाएंगे सब, पहले तो अंदर ही जाएंगे, कल कुटाई होगी इनकी सबकी, और ड्राई कह नहीं सबकी कराई हम, तो इसकी तो हो रही नहीं, इसकी तो हो रही नहीं यार, उसे तो घर भगवान ही बचाएगा उसको, तो उसके बच्चे को छीन के ले गया वो यहाँ से, कैसे यहाँ मरा वो, कैसे यहाँ रहा वो, राजकुमार की तरह है, इतने बड़े घर का है, अब सोचो जरा किस तरह का था वो, किस तरह उसने यहाँ पर आकर के नमक खाया, माँ बाप को किस तरह उसने किया, आपको पता है उसके शरीर में अपने हाथ को बनवाया एक एक को, यहाँ से काम रेसलर है वो, चैंपियन ऑफ द चैंपियन है वो, वो तो शौकिया तौर पर बाइक चलाता है, पैसों के लिए काम नहीं करता वो। 15 दिन पहले तो उसने कॉलेज का पेपर खत्म कर, आप लोगों को देख के भी लगा कि इनोसेंट है वो, कितना बच्चा, कम से कम उस हैवान के साथ पीछे ना छोड़ दे इसको।
देहरादून पहुंच चुके हैं हम लोग। अगस्त्या के पापा से मिल गए, फैमिली से मिल गए। हमारे साथ सूरज भाई और ऋषि भाई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने उन्हें क्लियर करी, सॉर्ट करी। उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब डाउट्स थे, उन्हें लगा था हम लोग भी थे, हम लोग छोड़ के गए, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, सारी मैं आपको अभी डिटेल में बताऊँगा। तो अपन लोग देहरादून से आ चुके हैं, दिल्ली में हैं। अगस्त्य की फैमिली से मिलने गए थे कि भाई हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, हमारे साथ था वो राइड पे, हमारा छोटा भाई जैसा था। और बहुत ज़्यादा अफसोस है, मतलब एक चीज़ होती है ना कि इंसान यकीन नहीं कर सकता कोई एकदम से चला जाए। तो हम लोग अगस्त्य के घर गए थे, उनकी फैमिली से मिले, आमने सामने बैठे, उनको सब बताया समझाया। उनके काफ़ी सारे डाउट्स थे जो ऐसे क्लियर नहीं हो सकते थे, जबकि उन लोगों ने वीडियोज़ देखी थी हम लोगों की। बट हम चाह रहे थे कि एक बार मिले, और लोग काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आप लोग पहले क्यों नहीं गए हॉस्पिटल का। मैंने सबको क्लियर कर दिया कि भाई हॉस्पिटल पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पहले वाले ब्लॉग में देख लो, क्यों नहीं जा पाए। फ्यूनरल पे क्यों नहीं गए, अब मैं फ्यूनरल का बताता हूँ। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ था उसके फौरन बाद ना पूरे इंडिया में ऐसी गोली की तरह ये न्यूज़ फैली थी कि जो साथ वाले राइडर्स थे वो छोड़ के भाग गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम छोड़ के नहीं भागे थे, मैं और सूरज और जाहिर भाई हम छोड़ के नहीं भागे थे। जो छोड़ के भागा था क्या था वो पुलिस देख लेगी और वो सबको पता है। तो अब ये सीन हो रहा था तो हमें ना थ्रेट्स मिलने लगे थे बहुत ज़्यादा कि तुम यहाँ दिख मत जाना, तुम यूपी मत आ जाना, तुम देहरादून मत आ जाना। अगस्त्य की भाई यूट्यूब फैमिली माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत प्यार करती है अगस्त्य से। तो जब उन लोगों को ये पता चला कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है, भाई कोई भी भड़केगा, कोई भी गुस्सा आएगा, मैं उनको भी ब्लेम नहीं कर रहा। इवन मेरे जो खुद के दोस्त हैं एकदम कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड्स डिग्री, भाई उन लोगों को भी मुझ पे शक हो रहा कि तुम छोड़ के भाग गए, वो उल्टा मुझे गाली बक रहे हैं। उनको मैंने चीज़ें क्लियर की, उन्हें तब तक यकीन नहीं हुआ जब तक उन्हें मैंने वीडियो नहीं दिखाई कि भाई यू टर्न मार लिया था हम लोगों ने, हमें नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्हें तब यकीन हुआ था जब उन्होंने मेरा ब्लॉग देखा, वरना उनके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि तुम छोड़ के भागे। और ये भी था कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं काफ़ी मेच्योर्ड हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस हूँ, काफ़ी सालों से राइड कर रहा हूँ, तो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। बट भाई भाई न्यूज़ पे जो दिखा रहे हैं लोग यकीन कर लेते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई है दो दिन बाद जब हम लोगों ने वीडियो डाल दी। तो जब वो चीज़ क्लियर हो गई, उन लोगों को फैमिली को पता लग गया, उनसे बात हुई, उनको क्लियर हुआ, तो जाके हमने सोचा कि अब हमें मिलना चाहिए और हम वैसे भी जाते हैं, तो इसलिए ये सीन हुआ। और अब मैं बता देता हूँ पुलिस केस का क्या चल रहा है। पुलिस केस हो चुका है, उसमें जो धारा लगी है वो 304A करके है। अंकल कह रहे हैं अगस्त्य के फादर की वो 302 में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कराना चाहते हैं। तो पुलिस को हम पूरा सपोर्ट करेंगे, हम लोग अंकल से वादा करके आए हैं कि जो भी होगा जैसा भी होगा, और दिल से हमदर्दी है, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, और हम अगस्त्य के लिए चाहते